हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपको बताऊंगी फटे हुए छेने से कैसे हम रसगुल्ले बना सकते हैं, वो भी गुड़ वाले रसगुल्ले। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ दूध फटा हुआ है, पहले से ही मेरा दूध फटा हुआ था। मैं इसे गर्म कर लूँगी, एक उबाल आने तक गर्म करूँगी। आप देख सकते हैं छेने में कितने अंतर आ गए हैं। अब एक बाउल के ऊपर टी स्टैंडर रखेंगे और उसके ऊपर कॉटन के कपड़े रखेंगे और उसमें ये सारे छेने को छान लेंगे। आप देख सकते हैं पानी अलग, छेना अलग होते जा रहा है। अब इसको चेंज कर देंगे इस पानी को। आप देख सकते हैं इतना पानी निकला हुआ है। यहाँ मैंने टी स्टैनर को निकाल दिया था और सिर्फ कॉटन के कपड़े को ही रखा था और उसके ऊपर सारे जो छेने थे ना उसको पलट दिए थे। अब इन सारे छेनों को ठंडे पानी से धो लेंगे। मैंने दो पानी इसे धोया था ताकि ये जो फटे हुए दूध है ना इसमें खट्टापन अलग सी आ जाती है, तो इसे ठंडे पानी से धो लेने से ये स्मूथ हो जाता है, इसलिए मैंने इसे धोया था। और अब हाथों की हेल्प से इसे निचोड़ लेंगे, सारे छेनों को इतना निचोड़ लेंगे कि इसमें ज़रा भी पानी ना रहे। अब मैंने सारे छेनों को निचोड़ के रख दिया था। अब एक कढ़ाई रखेंगे। मैं स्टील का कढ़ाई ली हूँ और इसे बहुत ज़्यादा गर्म कर ली हूँ। यहाँ एक ट्रिक बताऊँगी। तो फ्रेंड्स, आप देख रहे थे कि कढ़ाई बहुत गर्म हो चुकी थी और इसमें जो कलर निकला था ना चीनी मेल्ट होने का, मुझे वही कलर चाहिए था, बस इसीलिए मैंने तेज़ आँच पे कढ़ाई रखा था। ये एक छोटी सी ट्रिक थी। उस कढ़ाई में बड़े वाले मेजरिंग कप से एक कप चीनी डाली थी मैं और उससे तीन कप पानी डाली थी और कुछ गुड़ के बतासे डाले थे। इसके जगह आप गुड़ भी यूज कर सकते हैं अगर आपके पास गुड़ के बतासे नहीं हैं तो। और उसे एक बॉयल आने तक उबाल लेंगे चाशनी को। हमें चाशनी का तार नहीं बनाना था। अब जो हमारे छेने हैं ना उसे हाथ से मसल लेंगे और कुछ इस तरह से उसे मसलेंगे हल्के हाथों से। आप देख सकते हैं कि मैंने किस प्रकार उसे मसला है। इस तरह से सारे छेनों को मसल लेंगे। मैंने इसे लगभग 6 मिनट तक मसला था। 6 मिनट तक मसलने के बाद मैं इसमें एक चम्मच कॉर्नफ्लोर ऐड करूंगी। आपके पास एक चम्मच मैदा हो तो यूज कर सकते हैं या अरारोट का आटा हो तो उसे भी यहाँ डाल सकते हैं। मैंने कॉर्नफ्लोर का यूज किया है और कॉर्नफ्लोर डालने के बाद उसे फिर 4 मिनट के लिए मैंने मसला था हाथ से, बिल्कुल स्मूथ सा। तो फ्रेंड्स, ये 1.5 लीटर दूध का छेना था, इसलिए एक चम्मच का यूज़ किया है। एक चम्मच से ज़्यादा आप यूज़ ना करें। यहाँ मैं चेक करूँगी कि जो हमारे रसगुल्ले बनाने हैं उसके लिए छेना परफेक्ट तैयार हुआ है कि नहीं, इसमें क्रैक्स आ रहे हैं कि नहीं। तो जी हाँ, यहाँ क्रैक्स आ रहे थे। तो फिर मैंने इसे 2 मिनट के लिए हाथों से मसला था। तो आप भी इस तरह चेक करके ही बनाएं रसगुल्ले। अब यहाँ बिल्कुल परफेक्ट तरीके से हमारा जो रसगुल्ला के लिए छेना है वो तैयार हो चुका है। तो हम बारी बारी से सबका लोई तैयार करके गोल गोल शेप देके इसे बना लेंगे और सबको अब चाशनी में डालेंगे। ये देख सकते हैं आप, मेरा सब कुछ बन चुका है। अब मैं इसे चाशनी में डाल रही हूँ। चाशनी को मैंने लो फ्लेम पर रखा था और देख रहे हैं चाशनी का कलर भी बहुत प्यारा लग रहा है। ये सब जो मैंने ट्रिक, चीनी वाली ट्रिक अपनाई थी ना, उसी की वजह से ये सब कलर आए हुए हैं। आप भी इस तरह से अपने घर में ट्राई करें। और हम इसे बीच में सारे बॉल्स को मैंने डाल दिया है। गैस की फ्लेम को एकदम हाई रखेंगे, पूरे 1 मिनट के लिए हम इसे हाई रखेंगे ताकि ये जो स्पॉन्ज जैसे रसगुल्ले बनते हैं ना मार्केट में, उसी तरह मुझे कुछ बनाने थे। तो इसके लिए मैंने फ्लेम को तेज़ आँच पर किया था, लगभग 1 मिनट तक के लिए करें और इसे हल्के हाथों से कलछी से पलटते रहें। आप देख सकते हैं कुछ डिफरेंट तो आया ही होगा रसगुल्लों में, ये फूले फूले से दिख रहे हैं। तो मैंने इसे लो फ्लेम पर 4 मिनट तक के लिए रखा था, उसके बाद मैं इसे उतार दी थी। तो आप देख सकते हैं फूले फूले से रसगुल्ले। आई होप आप लोगों को मेरी वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। फ्रेंड्स, कई बार होता है कि किसी कारणवश हमारे दूध फट जाते हैं तो हम उसका समझ नहीं आता कि क्या करें, तो उस जगह पे हम इस रसगुल्ले को ट्राई कर सकते हैं। तो आप लोग भी अपने घर में ज़रूर ट्राई करें और मुझे कमेंट करें। यहाँ मैं चेक करूँगी कि हमारे रसगुल्ले स्पॉन्जी बने हैं कि नहीं बने हैं। तो यहाँ मैं इसे काट के दिखाऊँगी। तो आप देख सकते हैं कितना ईजिली कट जा रहा था रसगुल्ला।
तो फ्रेंड्स ये थी मेरी आज की रेसिपी, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।